तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जॉब वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आप वर्क इंडिया ऐप से जॉब पा सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आपको काम करना होगा। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई है दोस्त वर्क इंडिया से रिलेटेड, वो भी जाके आप हमारे चैनल पर जरूर देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है वर्क इंडिया। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर आपको सिंपली टाइप करना है वर्क इंडिया। आपने जैसे ही वर्क इंडिया यहाँ पर टाइप करा, फिर आपको सर्च कर लेना है वर्क इंडिया टाइप करके, तो जो पहला एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा ये वाला, ये वर्क इंडिया एप्लीकेशन है, ठीक है ना दोस्त। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको भी इसको इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसे आप इसे दोस्त इंस्टॉल कर लोगे, आपको इस तरीके का इसका आइकन मिल जाएगा आपके फ़ोन में, और फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आपका इंटरफेस यहाँ दिखाई देगा वो आएगा हेलो नमस्ते, और यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। तो हमारा लैंग्वेज इंग्लिश है, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट इंग्लिश करके यहाँ पे आगे कर दिया। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे अभी आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे पुट इन करना होगा। मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ, या तो अगर पहले आपने अकाउंट बना रखा होगा तो फ़ोन नंबर डालने का अपने आप यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा आपको। तो मैंने यहाँ पहले बना रखा है, तो मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दिया। उसके बाद वेरीफाई फ़ोन नंबर पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई फ़ोन नंबर पर क्लिक करोगे तो यहाँ दिखाएगा फेचिंग OTP। आप चाहो तो मैनुअली डाल सकते हो, या ये अपने आप OTP ले लेता है। जब OTP ले लेगा, उसके बाद आपको अलाउ पर क्लिक करना होगा, क्योंकि ये आपका लोकेशन सेलेक्ट करेगा, आपको लोकेशन पर अलाउ कर देना होगा। जैसे आप इसे अलाउ कर दोगे दोस्त, आपको तीन कैटेगरी सेलेक्ट करनी होंगी, तीन कैटेगरी जिसमें आप जॉब चाहते हैं। तो कोई भी रैंडम थ्री कैटेगरीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैक ऑफिस सेलेक्ट कर लेता हूँ बैक ऑफिस, और जैसे आप इसे चेक करेंगे आपको नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। फिर आपसे ये एक्सपीरियंस पूछेगा और क्या क्या चीज़ में आपको एक्सपीरियंस है वो मेंशन करना होगा। जैसे MS पॉइंट मेरे को आता है, ईमेल आता है, टाइपिंग आता है, MS वर्ड आता है, इंटरनेट सर्फिंग आती है, कंप्यूटर आता है, बेसिक एक्सेल आता है, फिर करके मैं नेक्स्ट कर दूंगा। तो ये एक सेलेक्ट हो गया। अब दूसरा आपको जैसे कह रहे हैं डिलीवरी बॉय का, डिलीवरी बॉय मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट किया, कितने का एक्सपीरियंस है, एक साल का है। इसके बाद हम आगे गए, फिर हम किस किस में आपने काम कर रखा है, तो आपने वो सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट में चले गए। उसके बाद लास्ट ऑफिस बॉय मान लो, तो ऑफिस बॉय मैं टाइपिस्ट रख लो, अपने को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक साल का एक्सपीरियंस है, ज़्यादा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको विच टाइप ऑफ वर्क यू हैव डन, तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तीन आपने सेलेक्ट कर लिए, तीन सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, देख रहे होगे कि ये पूरा इनिशियलाइज ले रहा है। उसके बाद आपको सी जॉब, यहाँ से आप देख सकते हो सी जॉब पे जाओगे, तो जो भी प्रोफाइल आपने सेलेक्ट करी होगी अभी, जो भी कैटेगरी, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जॉब दिखाई देने लग जाएगा। देख सकते हो कि बहुत सारे जॉब यहाँ पे आने लग जाएंगे। अभी आपको क्या करना होगा कि आपको अपना रेज्यूमे कंप्लीट करना होगा। नीचे देख सकते हो कि जॉब्स, माई कॉल, रिवॉर्ड, और इसके बगल में रेज्यूमे है। इस रेज्यूमे पे आपको क्लिक करना है। रेज्यूमे पे क्लिक करने के बाद दोस्त, आपको अपनी क्वालिफिकेशन डालना है। मान लो कि आप 10th पास हो तो 10th सेलेक्ट करोगे, 12th हो तो 12th करोगे, कॉलेज कर रखा है तो कॉलेज, किसी डिप्लोमा का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो, या तो आप सर्टिफिकेट कोर्स। लेट्स से कि भैया मान लो कि हमने 10th करा है, फिर 10th का आप नाम डाल दोगे, जो भी बोर्ड का नाम था, फिर CBSE हो गया, NIOS हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो लेट्स मेंशन इट, मैंने कहा यहाँ पे CBSE यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद स्कूल का नाम आप डाल सकते हो, तो GGSSS, ठीक है। उसके बाद सिटी डाल सकते हो, जिस भी सिटी में आपका स्कूल होगा। ये रहा, हमने सिटी डाल दिया यहाँ पर। सिटी डालने के बाद दोस्त, अभी हम आई करेंटली स्टडी हियर भी डाल सकते हो, अगर आप अभी स्टडी कहीं पे कर रहे हो तो। नहीं कर रहे हो तो इतने में सेव करके कंटिन्यू कर दोगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, देखोगे कि आपकी एक प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। मेरा यहाँ पे आपको फोटो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ये खुद क्रिएट करना होगा। आपके यहाँ पे अलग भी ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो फिर आपको और सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पे आप एडिट करके ऑप्शन देख सकते हो, मिलेगा आपको। देख सकते हो कि यहाँ पे स्किल आप अपना एडिट कर सकते हो, जो भी स्किल आपको आती है यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मेरे को टाइपिंग आती है तो मैंने टाइपिंग डाल दिया। मान लो कि मेरे को स्पोकन इंग्लिश आता है तो मैंने उसको मेंशन कर दिया, स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्किल अपना मेंशन कर देना है, और फिर उसके बाद सेव कर देना है। ये दो चीज़ यहाँ पे आ गई। अब मान लो कि किसी कोई अचीवमेंट आपको हुआ हो तो अचीवमेंट आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो कि अपलोड योर रेज्यूमे, सबसे पहले अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, तो आप चाहो तो अपलोड कर सकते हो अपने रेज्यूम को अपने सिस्टम से। तो लेट्स से चलो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और रेज्यूम को अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको अगर फाइल मैनेजर में आपको जाना होगा जहाँ आपने बनाया होगा, नहीं तो आप कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ आपने रखा हो। चलो मैं
इसके अंदर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ, क्या पता मेरा कहीं पे सीवी बना हो तो आपको इसके अंदर जाना है। जैसे मेरा तो यहाँ पे बना हुआ था, आप इसमें से कोई सा भी अपना सीवी सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बना पाओगे। फिर अगर चाहो कि अगर आपको एडिट करना है तो ऊपर से आप एडिट भी कर सकते हो, क्योंकि अगर कहीं आपके चीज़ें गलत हो गई हो, फॉर एग्जांपल मेरा नाम डालने का यहाँ पे ऑप्शन है, मैंने डाल दिया, एज आप अपना डाल लेना, फिर नंबर डाल लेना, फिर ईमेल एड्रेस, फिर लोकेशन, नेक्स्ट पे क्लिक करना, फ्रेशर अगर हो तो फ्रेशर पे चेक कर लेना, नहीं है तो ये सब आपने डाल देना, एक्सपीरियंस किस किस फील्ड में है, क्या नाम था कंपनी का, टाइटल क्या था, कब से कब तक तो आपने काम किया था। अगर फ्रेशर हो तो सीधा ऊपर फ्रेशर पर क्लिक कर देना, फिर नेक्स्ट जाना। नेक्स्ट पे जाने के बाद अपना एजुकेशन मेंशन कर सकते हो, जैसे कि मैंने 10th मेंशन कर रखा है। अगर आपको और ऐड करना है तो आप 12th मेंशन कर सकते हो, ग्रेजुएशन मेंशन कर सकते हो, उसके बाद सेव पे आगे क्लिक कर दोगे। अगर और भी आपको चीज़ें एडिट करके आगे जानी है तो ऐसे ही करके आप आगे जाओगे, सेव पे क्लिक कर दिया हमने। तो इतना ही स्टेप था जिससे कि आप कंप्लीट कर पाओगे। उसके बाद अपने जॉब के सेक्शन में चले जाओ, यहाँ से जॉब देखो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब आई हुई है। वर्क इंडिया का सबसे खास बात यह है कि आपको जो ये जॉब प्रोवाइड करता है वो बहुत ही नियर लोकेशन में होता है। तो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर पर क्लिक कर लिया मैंने, यहाँ पर देख सकते हो। तो जैसे ही आप किसी जॉब पर क्लिक करोगे उसका डिटेल आपको दिखाई दे देगा, देख सकते हो पूरा डिटेल, और साथ साथ में ये भी आएगा कि कौन सा पर्सन है, किससे आपको कॉन्टैक्ट करना है, उसका नाम दे देगा इसमें। कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो देख सकते हो, कंपनी का प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिखाई देगी, उसके साथ आप उससे देख कर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी देख सकते हो बहुत सारे जॉब आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको आपको इन सब में अप्लाई कर लेना है जो भी। और अप्लाई करने के बाद बस आप चाहो तो एचआर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। जैसे मान लो ई रिक्शा डिलीवरी बॉय वाला है, तो इस पर आपने ऐसे यहाँ क्लिक करा तो देख सकते हो कि यहाँ पर आपको सारा ऑप्शन मिल गया। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एचआर का नंबर मिल जाएगा। अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करोगे तो उस यहाँ पे तो और भी डिटेल यहाँ से जो है, या तो आपको मेल खुल जाएगा, मेल आप इनको कर सकते हो डायरेक्टली, या इनसे बात भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से दोस्त आपको काम करना होगा, इसी तरीके से आपको वर्क इंडिया से अप्लाई करना होगा, और इसी तरीके से आप यहाँ से जॉब पा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।